हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में जो मैच कवर कर रहे हैं एंजल वुमेंस वर्सेस डिमोन वुमेंस के बीच में इस पंडिचेरी T20 सीरीज का, ये तीसरा मैच जो ऑलमोस्ट आप सभी के इन्वेस्टमेंट के लिए मुकाबला काफ़ी अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना, किस प्लेयर को यहाँ से हमें ग्रैंड लीग के टीम्स में ट्राई करना, विद जो भी हमारे कैप्टन एंड वाइस कप्तान के डिफॉल्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, हम इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या कुछ यहाँ से हमारे स्मॉल लीग टीम्स एंड ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन रहेंगे और कुछ ऐसे भी ट्रम्प प्लेस इस मैच में लॉजिक बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे जो आप सभी को स्मॉल लीग ही नहीं बल्कि मिनी जीएल और ग्रैंड लीग्स भी विन कराकर देंगे। तो आप ऑलमोस्ट आप सब इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि इस मैच से जुड़ी ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में जान पाओगे, जो भी इनकी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन विद बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हैं, तो ऑलमोस्ट एंड तक देखना। और दोस्तों सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी दोस्तों अभी हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहले देखो जुड़ना टेलीग्राम से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी हमारे ऑफिशियली प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर या फिर टीम कॉम्बिनेशन में अपडेट्स होते हैं इसके सारे नोटिफिकेशन आप सभी को टेलीग्राम्स पे देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना और मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे इनके सारे नोटिफिकेशन वगैरह आप सभी को मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, फाइनल टीम आपको यहीं पर अपडेट करेंगे। ऑलमोस्ट देखो आप हमारे जब भी टेलीग्राम पे जुड़ो तो रियल चैनल पे जुड़ो क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट है जहाँ पर पैटिंग के नाम पर लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, तो आप हमारे रियल टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो लोग भी नहीं जुड़े आप इस वीडियो को देख रहे हो तो टेलीग्राम को सबसे पहले ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे दिए। फिलहाल हम बात करेंगे इनके प्ले स्टेटस के बारे में, तो ये पंडिचेरी वुमेंस T20 सीरीज का तीसरा मैच है जो कि आपको 9:30 बजे करीब में क्रिकेट एसोसिएशन पंडिचेरी सिकेम ग्राउंड 3 पर मैच होगा जिसका एवरेज स्कोर 120 से 150 के आसपास स्कोर बन तो दिखेंगे। बाकी इससे पहले भी दो मैचेस इसी वेन्यू पे खेले गए थे और इनकी जो पिच रिपोर्ट है एक्सपेक्ट करें तो सब पेसर्स को ठीक ठाक विकेट्स मिले, ज़्यादातर हमारे बॉलिंग ऑप्शन से पेसर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे तो प्रेफर करना कि पेसर्स के साथ जाओ। बाकी टेलीग्राम से हमारे जो लोग भी नहीं जुड़े जल्दी से ज्वाइन कर लो, आफ्टर लाइनअप जो भी फाइनल टीम ग्रैंडिंग एंड स्मॉलिस की होंगी इसकी अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाना। अब एंजल वुमेंस की अगर हम बात करें इनकी पॉसिबल प्लेइंग इलेवन बैटिंग ऑर्डर इनकी प्ले स्टेटस के बारे में, तो इनकी टीम ने खेले गए रिसेंट के एक मुकाबले जो ये लॉस करके आ रही है। अब दोस्तों इनके टीम की ओर से यहाँ पर शिल्पा साहू नजर आएंगे जो राइट हैंडर बैट्समैन, 3 मैचों में 16 रन खेले गए, लास्ट के मुकाबले 3 का स्कोर 4 विकेट है जहाँ पर इन्होंने दोस्तों अपने कंप्लीटली 4 ओवर बॉलिंग डाले। वैसे भी इससे पहले भी अगर आप इनका फॉर्म देखोगे तो ये T10 का फॉर्म था जहाँ पर इन्होंने अपने कंप्लीटली 2 ओवर कराया प्लस बैटिंग बॉलिंग दोनों से इन्होंने काफ़ी बढ़िया टच में चला। तो वैसे भी ओपनिंग आती है आपको एज अ प्लेयर इनको टीम्स में ट्राई करने, साथ ही कैप्टन एंड वाइस कप्तान भी करना चाहो चाहे स्मॉल लीग हो या फिर ग्रैंड लीग्स, तो आप ट्राई कर सकते हो। वैसे भी इस मुकाबले को एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में ट्राई करके जाएंगे। इनके अलावा यहाँ पर लिखता नजर आएंगे 200 राइट हैंडर बैट्समैन लेग स्पिन बॉलिंग, 7 मैचों में 200 कुछ खास बढ़िया इनके पास करियर स्टैट्स नहीं देखने को मिलेंगे, फिर भी लास्ट के मुकाबले 7 रन का स्कोर, इससे पहले 21-7 31 3 रन का स्कोर जिसमें पार्ट टाइम किसी किसी मैच में इन्होंने इससे पहले बॉलिंग भी डाला था जहाँ पे इन्होंने T10 के मुकाबले खेले थे पर लास्ट के मुकाबले जो खेले वहाँ पे सिर्फ 7 ही रन का स्कोर। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बैटिंग ऑप्शंस कुछ खास पे ना तो T10 के अंदर देखने को मिले और ना तो एज T20s के अंदर ही रहा था। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फर्स्ट इनिंग में टीम इनकी बैटिंग करती है तो आप एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में रखकर जाना, वरना आप चाहो तो एज अ ड्रॉप भी कर सकते हो। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से आर्थिका का फॉर्म है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, रिसेंट फॉर्म 5 रन का स्कोर, इससे पहले इन्होंने T10 के मुकाबले खेले जहाँ पे ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ भी अच्छा फॉर्म नहीं था, अंडर 19 स्टैट्स ग्रैंड लीग्स के टीम्स में रखो, बाकी स्मॉलिंग में हम इनको ड्रॉप करके ही जाएंगे। आपके पास सुनाल पाटिल की अगर हम बात करें राइट हैंडर बैट्समैन राइट एंड मीडियम बॉलिंग है दोस्तों, टीम के कैप्टनसी कर रही है, लास्ट के मैचों में 6 रन का स्कोर 1 विकेट है जिसमें 4 ओवर के बॉलिंग, इससे पहले ये विकेटलेस जहाँ पर ये T10 के मुकाबले थे, इससे पहले भी दोस्तों खेले गए मैचों में बॉलिंग बैटिंग अपने हालांकि कम्प्लीटली 4 ओवर डाल रही हैं T20s में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे यहाँ से अपने टीम्स में ज़रूर से ट्राई करना, जो कि 8 मुकाबले 401 रन 57 के एवरेज 18 विकेट, तो ऑलमोस्ट अभी यहाँ से इनको टीम्स में पिक करके जाएंगे जो कि इस टीम के मेन बैटिंग ऑप्शन ऑलराउंडर्स रहेंगे, तो ज़रूर से टीम्स में प्रेफर करना। इनके अलावा यहाँ पर जो पायल नजर आएंगे दोस्तों राइट हैंडर बैट्समैन, 5 मैचों में 4 विकेट रिसेंट के मुकाबले 15+ स्कोर जहाँ पे विकेटलेस, ऑलमोस्ट वहाँ पे इन्होंने 4 ओवर अपने ओवर्स कराए थे। वैसे भी इस टीम के एक मेन ऑलराउंडर चूँकि बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे तो यहाँ से इनको भी अपने टीम्स में एज अ प्लेयर पिक करके जा रहे हैं।
रोहिणी की बात करते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म में लेग स्पिन बॉलिंग है। लास्ट के मैचों में 17 का स्कोर, 4 विकेट था। इससे पहले भी अगर आप T10 फॉर्म देखोगे तो हर एक मैचों में बॉलिंग और बैटिंग करके दिए, तो यहाँ से ये भी हमारे स्मॉली के इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आप ग्रैंड लीग्स और मिनी जीएल के टीम्स में कैप्टन एज जरूर से ट्राई करें, इस मुकाबले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। इनके अलावा जॉन स्टेफनी, जो कि नॉट ऑफ बॉलिंग है, तो बैटिंग ऑलमोस्ट ड्रॉप करके जाना। लास्ट के मुकाबले डक पर आउट हुई थी, पर इसे पहले T10 के मैचेस करे थे जहाँ पे ये ना तो बैटिंग ना तो इज अ विकेट कीपिंग। अभी फिलहाल यहाँ से इनको भी हम ड्रॉप करके ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो दोस्तों वेदावर्षा नजर आएंगे, लास्ट के मुकाबले एक विकेट, वो भी इन्होंने एक ओवर के बॉलिंग है, जब पार्ट टाइम ही बॉलिंग है। और इससे पहले भी अगर देखो तो एक मैचों में 2 विकेटें, और T10 करियर में भी इन्होंने एक ज़्यादा ओवर के बॉलिंग नहीं कराई थी। इनकी ओवर्स कटेंगे जो कि किसी मैच में 2 ओवर से 1 ओवर ज़्यादा ये बॉलिंग नहीं डालेंगे, तो इनको ड्रॉप करना ही सेफ है। इनके अलावा जो दृशा नजर आएंगे दोस्तों, लास्ट के मैचों में 3 रन लगभग 9 और 10 नंबर पर बैटिंग करने के लिए ही आ रहे, तो इनको रखने से मुझे कुछ खास प्रॉफिट वगैरह दिखा नहीं। इनके अलावा यहाँ पे जो धनिया नजर आएंगे दोस्तों, 23 मैचों में 7 विकेट, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस ऑलमोस्ट, वहाँ पे इन्होंने 3-2 ओवर के बॉलिंग है। इनके अलावा यहाँ पे जो गोकुल नंदनी नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट में फास्ट बॉलिंग है। लास्ट के मैचों में देखो तो विकेटलेस थी, पर इससे पहले अगर T10 फॉर्म देखा जाए तो विकेटलेस, 1 विकेट विकेटलेस, ज़्यादातर मुकाबले ये फ्लॉप रहे थे। T20s के 7 मैचों में सिर्फ 2 ही विकेट रहा था, तो अब यहाँ से इनको भी हम चाहें तो ड्रॉप करके जाएँ। और बेंच प्लेयर्स, इनके जो भी प्लेयर दोस्तों यहाँ से खेलेंगे, इनकी सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे टीम देंगे। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना। आप दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जो डिमोंड वुमेंस की टीम है, खेले गए रिसेंट एक मैच में ये दोस्तों लॉस करके आ रही। वैसे भी देखो मुझे एंजल वुमेंस की टीम थोड़ी सी परफेक्ट दिखी है, जो ऑलमोस्ट इस मुकाबले को विन कर सकते, ज़्यादातर प्लेयर्स हम वहाँ से ट्राई करेंगे। इनके अलावा यहाँ पे जो उर्वशी नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग, टीम की कैप्टनसी कर रही है। 11 मुकाबले 279, जिसमें 2 विकेट थे, रिसेंट फॉर्म, ये लास्ट के मुकाबले डक पर आउट हुए थे। इससे पहले अगर आप T10 फॉर्म देखा जाए तो दोस्तों इन्होंने पार्ट टाइम किसी किसी मैच में अगर बॉलिंग भी कराएं तो एक से ज़्यादा ओवर के बॉलिंग नहीं डालें, पर जो भी बैटिंग ऑप्शन है वो इज टेक टाक है, तो इस मुकाबले के सेफ ऑप्शन रहेंगे। और आप बैटिंग से एक्सपेक्ट कीजिएगा जो कि 20 या फिर 30 प्लस स्कोर करके दे सकते हैं। रिस्क लेना हो तो फिर आपके पास 2 ओपनर्स रहेंगे, चाहो तो तेजाल या फिर आप यहाँ से उर्वशी में से किसी एक के साथ जाओ। इनका भी जो फॉर्म है, 57 मैच में 12-67, जिसमें 26 का औसत, रिसेंट फॉर्म 15, इससे पहले भी T10 मुकाबले 9-52, इससे पहले 21 और 4-5 रन का स्कोर है, तो इन दोनों में से किसी एक ही को भी करना। इनके अलावा यहाँ पर जो ज्योति नजर आएंगे दोस्तों, राइट हैंडर बैट्समैन, 23 मैचों में 174, जिसमें 13 विकेटें खेले गए, लास्ट मुकाबला 6 रन का स्कोर, 1 विकेट, 4 ओवर अपने कंप्लीटली डाल रहे हैं, तो ये आपके लिए डिसेंट पिक नजर आएंगे। स्टार्टिंग 10 ओवर कराते हैं, तो आप यहाँ से इनको टीम्स में ज़रूर से ट्राई करना। उसके अलावा यहाँ पर जो दोस्तों अंजना नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन, 6 मैचों में 19 रन, लास्ट के मुकाबले सिर्फ 2 रन का स्कोर था। इससे पहले भी खेलेगा T10 मुकाबले, ना तो इसमें बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच नहीं रहा था, फिलहाल ड्रॉप करना बेहतर रहेगा। अभी स्मॉलिंग में इनको इग्नोर करके जाएंगे। वैसे भी यहाँ पर प्रेम कुमार पांडे का भी वही हाल है, राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग, राइट हैंडर बैट्समैन, 7 मैचेस 133, जिसमें विकेटलेस, इनका ऑलरेडी स्टार्ट रिसेंट के मुकाबले 3 रन का स्कोर है, यहाँ से इनको भी ड्रॉप करना ही बेहतर ही है। मिडल ऑर्डर बैटिंग एज अ, और यहाँ पर अनिका की बात करते हैं तो ये भी डक पर ही आउट हुई थी। फिलहाल इनके स्टार्ट्स मुझे मिला नहीं, जैसे मिलता है टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर हम रीना को टीम्स में ट्राई करेंगे, 6 मैचों में 32 रन, 3 विकेट, जिसमें इन्होंने अपने 4 ओवर कंप्लीटली कराए, विकेटलेस गए थे, फिर भी इस मुकाबले गेम चेंजर ऑप्शन रह सकती हैं। इससे पहले अगर आप T10 फॉर्म देखोगे तो 1 विकेट, 2 विकेट, विकेटलेस, जिसमें 28 प्लस स्कोर, तो ये थोड़ी बहुत बैटिंग बॉलिंग करा लेते हैं, तो यहाँ से ये सेफ रहेंगे, ज़रूर से ट्राई करना। इनके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो दिव्या नजर आएंगे, लास्ट के मुकाबले फ्लॉप दी, ऑलरेडी के 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट इनका रहा था, जहाँ पे ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच नहीं गया, तो फिलहाल ड्रॉप करना ही बेहतर है। आपके पास अमृता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मुझे दिखी है, जो राइट हैंड मीडियम बॉलिंग है, ऑलरेडी के 6 मैचों में 16 विकेट, लास्ट के मैचों में 1 विकेट था, इससे पहले भी T10 मैचों में देखो तो स्टार्टिंग फॉर्म ठीक ठाक है, जहां पर हर एक मुकाबले 1 से 2 विकेट निकाल कर दिए, ऐसे देख के भी ओवर्स कराते हैं, तो यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अपनी टीम्स में ज़रूर से पिक करना। इनके अलावा यहाँ पर जो वेटा नजर आएंगे दोस्तों, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके पास फॉर्म नहीं है। आपके पास इंपॉर्टेंट है तो आप देखो शिवा रमन भी ग्रैंड लीग्स के टीम्स में रखो, जहाँ पे ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, इससे पहले ये T10 के मुकाबले में भी ऑलरेडी फ्लॉप दे, तो ऐसे ऑप्शंस को ड्रॉप करना ही सेफ रहेगा। बाकी यहाँ पर दोस्तों तेजस्विनी शायद इस मैच में खेलेंगे, तो आपके लिए डिफरेंशियल रह सकती है, 6 मैचों में 6 विकेट मिले, राइट मीडियम बॉलिंग, लास्ट के मुकाबले विकेटलेस थे, पर इससे पहले T10 फॉर्म देखोगे तो किसी किसी मैच में आपको 1 से 2 विकेट भी निकाल कर दिए, तो ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीम्स में ज़रूर से रिस्क लेना, और इनकी बेंच प्लेयर्स हैं जो भी प्लेयर यहाँ से दोस्तों खेलेंगे, इनकी सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे टीम देंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ। फिलहाल अभी चलते हैं अपनी फैंटेसी टीम्स की बात करते हैं।
तो गाइस देखो, मैंने ऑलरेडी ये काफ़ी रिसर्च के बाद टीम कॉम्बिनेशन क्रिएट करके रखे थे, आपको टीम प्रीव्यू में दिखा दे रहा हूँ। देखो ज़्यादातर हमने ऑलराउंडर ऑप्शंस फोकस की जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके अलावा अगर आपके पास वाल्मीकि की प्लेस पे किसी दूसरे को ट्राई करना होगा तो ये आप स्टैट्स बेसिस पे रिस्क ट्राई कर सकते हो, फिर भी एज अ सेफ टीम के साथ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो शिल्पा शाह कैप्टन के लिए होना तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, इनके साथ ही आप कैप्टन या वाइस कप्तान को। और बाकी जो वाइस कप्तान है, देखो वाइस कप्तान के लिए आपके पास पटेल भी सेफ है, इनके अलावा अगर आप चाहो तो वाइस कप्तान आप अर्मिता के साथ भी जा सकते हो, पर ऐसा पटेल सेफ रहेंगे। रीज़न ये कि बॉलिंग बैटिंग करके देंगे, तो फिलहाल अभी सेफ टीम के साथ इन्वेस्टमेंट। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाओ। बाकी दोस्तों अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रिडिक्शन के साथ।